Hello students, today we will be starting a new chapter in OC Standard 11. We will be starting chapter number 2. The name of the chapter is Business Services Part 1. The name of the chapter is Business Services Part 1. Basically, इस chapter में आपको अलग-अलग services के बारे में explain किया है. इस chapter में आपको 4 services के बारे में explain किया है. पहली है insurance, दूसरी है postal services, तीसरी go down services and the last one is transportation services. ये चारों services कैसे work होती है, चारों services में क्या होता है, उसको यहाँ पे detail में explain किया गया है. समझ आ रहा है? तो basically ये chapter में आपको 4 services के बारे में बताया. पहली है insurance service, the other one is postal service, the third one is ट्रांसपोर्ट सर्विस, थर्ड वन इज गोडाउन एंड द लास्ट एंड द फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. ओके, तो वी वुड बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज इंश्योरेंस. अब इंश्योरेंस बेसिकली होता है, वी डोंट गो बाय द बुक लैंग्वेज. अगर हम पहले ऑर्डिनरी सेंस में समझने की कोशिश करें कि इंश्योरेंस क्या होता है, तो आप मुझे पता है इंश्योरेंस क्या होता है. आप लोग ने काफी बार ये बात सुना होगा कि फायर इंश्योरेंस लिया है, लाइफ इंश्योरेंस लिया है, स्टॉक इंश्योरेंस लिया है, घर का इंश्योरेंस लिया है, गाड़ी का इंश्योरेंस लिया है. ये वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड. तो बेसिकली इंश्योरेंस लिया है मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस लिया है मतलब इंश्योरेंस में हमेशा दो पार्टीज होते हैं. एक होता है जो इंश्योरी होता है और एक होता है इंश्योरर. इंश्योरी एंड इंश्योरर. इंश्योरी वो होता है जो अपने सामान का इंश्योरेंस कराता है और इंश्योरर होती है इंश्योरेंस कंपनी. अब जो इंश्योरी होता है, सपोज से फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, राइट, तो वो इंश्योरी ने इंश्योरर के साथ एक अग्रीमेंट किया है कि कभी भी गाड़ी को कुछ हो जाए या कुछ भी लॉस इनकर हो तो उसका नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी. तो क्या इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही भरपाई करेगी? नहीं, इंश्योरी को सामने से कुछ थोड़ा थोड़ा प्रीमियम पे करना पड़ता है थोड़ी थोड़ी टाइम इंटरवल में. तो ये जो पूरा कंसेप्ट है उसको इंश्योरेंस कंसेप्ट बोलते हैं. मैं वापस समझा रही हूँ, बेसिक प्रैक्टिकली समझा रही हूँ, देन हम डेफिनेशन वाइज जाएंगे. बट फर्स्ट यू शुड नो, मैं सबसे पहले मैंने आपको ये बात बताया, इंश्योरेंस अलग अलग चीजों का होता है. होम इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, स्टॉक का इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस एंड मल्टीपल इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस के टाइप होते हैं. लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सबसे पहले पिक करी व्हीकल इंश्योरेंस. ठीक है, जो आप व्हीकल का इंश्योरेंस करवाते हो, से फॉर एग्जाम्पल आपने कार ली और आप कार का इंश्योरेंस करवा रहे हो. इंश्योरेंस करवा रहे मतलब अगर कार को कुछ हुआ, अब कार को कुछ हुआ मतलब एक्सीडेंट हो गया, व्हाटएवर, वो कुछ कंडीशंस होती है. अगर ऐसे ऐसे तरीके से कार डैमेज हुई तो उसका जो भी लॉस है, उसका जो भी नुकसान है, वो नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी. और सामने से हमको हर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, कुछ प्रीमियम पैसे देने पड़ते, प्रीमियम देना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को. और जब लॉस इनकर होता है तो लॉस को कॉम्पेंसेट करती है इंश्योरेंस कंपनी. अब वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि कौन कौन से लॉस को कॉम्पेंसेट करेगा, कितना कॉम्पेंसेट करेगा, वो बात की बात है. समझ आए? दो पार्टीज, इंश्योरी एंड इंश्योरर. इंश्योरी मतलब जो इंश्योरेंस लेता है और इंश्योरर मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है जो लॉस को कॉम्पेंसेट करेगी. क्लियर? अब डेफिनेशन से जाते, डेफिनेशन में एक एक वर्ड रीड करके, एक लाइन रीड करके आपको एक्सप्लेन करें. तो देखो, इंश्योरेंस रिफर्स टू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट. तो याद रखना, इंश्योरेंस हमेशा एक लिखित में कॉन्ट्रैक्ट होता है. ओरली बोल दिया कि सुनो मैं आपको कॉम्पेंसेट कर दूंगा तो नहीं चलेगा. इट इज ऑलवेज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट. आपने ये वर्ड भी सुना होगा इंश्योरेंस के पेपर्स, राइट? तो हमेशा इट इज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट. इंश्योरेंस ओरल नहीं हो सकता. यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि जो इंश्योरेंस होता है इट इज ऑलवेज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और यू कैन से इट अग्रीमेंट. एंड अगेन मैं आपको बता चुकी, इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, तो बिटवीन टू पार्टी, दैट इज इंश्योरी एंड इंश्योरर. ठीक है, तो इंश्योरेंस इट इज अ फर्स्ट पॉइंट रिटन कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी. तो पहला लाइन एकदम सिंपल है, इंश्योरेंस इज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी. अब हाउ डज इट वर्क, फिर क्या है, थ्रू विच इंश्योरी पेज प्रीमियम. इंश्योरी क्या पे कर रहा है, प्रीमियम पे करे. मैं आपको बता चुकी हूँ, जो इंश्योरी है मतलब जो जिसने इंश्योरेंस लिया है वो प्रीमियम पे करके, इंश्योरी विल पे द प्रीमियम. और सामने से क्या होगा, एंड अगेंस्ट गेट एन अंडरटेकिंग. और सामने से प्रीमियम पे करने के लिए उसको क्या मिल रहा है, एक अंडरटेकिंग मिल रही है. अंडरटेकिंग मतलब एक प्रोमिस मिल रहा है, एक वादा मिल रहा है फ्रॉम द इंश्योरर. किससे वादा मिल रहा है, इंश्योरर से, that he will compensate as per the risk covered and amount decided for financial loss. जो इंश्योरर ये अंडरटेकिंग दे रहा है, प्रॉमिस दे रहा है दैट ही वुड कॉम्पेंसेट इट
एज पर द रिस्क कवर्ड, जितना भी रिस्क अपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड है और जितना भी अमाउंट डिसाइडेड है वो हम आपको कॉम्पेंसेट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको मतलब तो बहुत इजीली समझा चुकी हूँ, आई नो यू आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन डेफिनेशन को मैं दो बार और समझा रही हूँ जिससे डेफिनेशन इजीली लर्न हो जाए, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्या, इट इज अ रिटन अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी। फर्स्ट एकदम सिंपल, इंश्योरेंस इट इज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन विच इंश्योरी पेज द प्रीमियम। इंश्योरी क्या पे कर रहा है, प्रीमियम कर रहा है, सामने से उसको क्या मिल रहा है, अगेंस्ट एन अंडरटेकिंग बाय द इंश्योरर। सामने से इंश्योरर उसको एक अंडरटेकिंग प्रॉमिस दे रहा है दैट ही वुड बी कॉम्पेंसेटेड फॉर द रिस्क कवर्ड। जो भी रिस्क अपने कॉन्ट्रैक्ट में कवर किए वो रिस्क का कॉम्पेंसेशन आपको मिल जाएगा। एंड अमाउंट डिसाइडेड फॉर फाइनेंशियल लॉस, और जो भी अपन ने अमाउंट डिसाइड किया उतना कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। तो एकदम सिंपल है, इंश्योरेंस इट इज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज वेयर बाय इंश्योरेंस पेज द प्रीमियम अगेंस्ट एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द इंश्योरर दैट ही वुड बी कंपेंसेटेड फॉर द रिस्क कवर एंड द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लॉस डिसाइडेड। सिंपल, ओके। अब बोला है कि ये जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटन फॉर्म में होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो ये जो रिटन फॉर्म में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। ये जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज इन रिटन फॉर्म, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, वन मार्क लिए इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन द रिटन फॉर्म इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। जो पूरे इंश्योरेंस के पेपर्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कौन इंश्योरर है, कौन इंश्योरी है, कौन से प्रोडक्ट का इंश्योरेंस दिया, कितना इंश्योरेंस दिया, कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, किस किस टाइप से लॉस होगा तो कंपनी कंपेंसेट करेगी, ये जो सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है इसको बोलते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल, ओके। अब आपको क्या लगता है कि इंश्योरेंस ले लिया तो रिस्क ही नहीं होगी, तो नुकसान ही नहीं होगा। इंश्योरेंस कभी भी रिस्क को रिमूव नहीं करता, बट ये आपको कंपेंसेट करता है रिस्क के कारण होने वाले फाइनेंशियल लॉस से। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सी लाइन लिख दी है बट इसका बहुत डीप मीनिंग है। जो इंश्योरेंस होता है ये आपको ये नहीं बोलेगा कि अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया तो आपको कोई रिस्क ही नहीं, नहीं, रिस्क से प्रोटेक्ट नहीं करता, बट ये अपन को कॉम्पेंसेट करता है व्हेन अ रिस्क अकर्स। जब कोई लॉस हो जाता है तो अपन को कॉम्पेंसेट करता है, ना कि आपने इंश्योरेंस ले लिया तो आपको रिस्क आएगी नहीं, आपको लॉस होगा नहीं, लेकिन इंश्योरेंस लिया और लॉस हुआ तो आपको कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। क्लियर हुआ इतनी बात। अब बेसिकली जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की रूट सोसाइटी से डिराइव होती है, सोसाइटी। तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरी को फॉलो करने पड़ते हैं। ये इंश्योरेंस के प्रिंसिपल होते हैं, इंश्योरेंस के चार प्रिंसिपल्स होते हैं, ये चारों प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आल्सो एंड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक बार मैं बोल देती हूँ चारों कौन से, फिर अपन एक एक समझेंगे। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड द फोर्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। वापस सुन लो, क्या फेमिलियर हो जाओ वर्ड से, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इंश्योरेंस के चार प्रिंसिपल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड द फोर्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। तो अपन स्टार्ट करें प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ से, ठीक है। और जो भी इंश्योरेंस का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि लॉस से प्रोटेक्ट करना, ना कि प्रॉफिट करना। कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द लॉस एंड नॉट टू मेक द प्रॉफिट। कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का मोटिव प्रॉफिट करना नहीं होता, समझ रहे, कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का मोटिव प्रॉफिट करना नहीं होता। मोटिव सिर्फ इतना ही होता है कि फाइनेंशियल लॉस को कॉम्पेंसेट करो, अगर किसी को कोई फाइनेंशियल लॉस आ गया तो उसको कॉम्पेंसेट करो, ओके। तो जो भी दो पार्टीज इन्वॉल्व है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, इंश्योरी और इंश्योरर, उन दोनों को एक दूसरे में एक अटमोस्ट ट्रस्ट, एक अटमोस्ट फेथ होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल फेथ होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे में भरोसा रखनी चाहिए। तो मैंने अब स्टार्ट किया प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, उसमें मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला कि जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो प्रॉफिट कमाना नहीं होता तो क्या होता है, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का मोटिव होता है टू कॉम्पेंसेट फॉर द फाइनेंशियल लॉस, जो भी फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं उसके लिए कॉम्पेंसेट करने का मोटिव होता है। जो दो पार्टीज होती है इंश्योरर और इंश्योरी, वो दोनों को एक दूसरे पे कंप्लीट ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
जब भी दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, दैट इज जब भी इंश्योरी और जब भी इंश्योरर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, तो ये बहुत ही जरूरी है कि दोनों पार्टीज इंश्योरेबल प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के सामने डिस्क्लोज करे। वापस सुनना, मैं बोलूं जब भी दो पार्टीज इंश्योरेंस में एंटर करती है तो तब क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आपका इंश्योरेबल प्रोडक्ट है, आप जिसका भी इंश्योरेंस ले रहे हो, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे को बता दो, कुछ छुपा के मत रखो। क्लियर? एंड इवन अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो किसी ने पूछी नहीं, मतलब अगर इंश्योरर से इंश्योरी ने नहीं पूछी, इंश्योरी से इंश्योरर ने नहीं पूछी, लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप वो भी बता दो, भले पूछी नहीं हो तो भी। पहली बात तो मैं इतना बोलूं, जब भी आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो तो जितनी भी आपके इंश्योरेबल प्रोडक्ट, जिस भी चीज का आप इंश्योरेंस ले रहे हो, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसको बता दो, डिस्क्लोज कर लो, एक दूसरे को बता दो। और इवन अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो पूछी भी नहीं है, जो सामने वाले ने आपसे पूछी नहीं, लेकिन अगर आपको लग रहा है यस ये इंफॉर्मेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, भले पूछी नहीं हो तो भी आप उसको बता दो। ठीक है? अगर इंश्योरेंस एग्रीमेंट हो रहा है और उसमें सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा रही, अगर एक ऐसा इंश्योरेंस एग्रीमेंट, एक ऐसा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है जिसमें दोनों पार्टीज ने सारी इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज की, तो वो माना जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ को फॉलो नहीं किया गया। अगर कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन अगर डिस्क्लोज नहीं की गई, तो ऐसा माना जाता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है वो तोड़ दिया है, वो फॉलो नहीं हुआ है। एंड ऐसी सिचुएशन में जब प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ टूटता है, तो ये पूरा जो इंश्योरेंस अग्रीमेंट है, जो पूरा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या माना जाता है? नल एंड वॉइड। मतलब वॉइड मतलब क्या? इसका जीरो इंपॉर्टेंस है, इन्फोर्सिएबल भी नहीं। मतलब पूरा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी नल हो जाएगी, वॉइड, जीरो काम की, बिल्कुल स्क्रैच, जीरो हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ तोड़ दिया। अब जब भी प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ टूटता है और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नल और वॉइड हो जाता है, तो जो इंश्योरी ने आज तक प्रीमियम पे किया वो भी वापस नहीं मिलता। जो प्रीमियम पे करा वो गया, और प्रीमियम भी नहीं मिलता। इनफैक्ट अगर आप फ्यूचर में कोई नुकसान हुआ तो उसका कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिलेगा, बिकॉज पूरा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ही नल एंड वॉइड हो गया। मैं वापस आपको समझा रही हूँ, पूरा ध्यान देना, मैं पूरा टेक्स्ट बुक वॉइस ही जा रही हूँ, जिससे आपको लर्निंग करने में भी इजी रहे एंड समझने में भी इजी रहे। ठीक है? तो अपन पढ़ रहे सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ ऐसा बोलता है कि जब भी दो पार्टीज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, तो उनका मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना कभी भी मोटिव नहीं होता। तो मोटिव क्या होता है? तो मोटिव होता है टू कॉम्पेंसेट फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉस। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का मोटिव यही होता है कि फाइनेंशियल लॉस से की भरपाई करना, उसको कॉम्पेंसेट करना। जो दो पार्टीज होती है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, उन दोनों को एक दूसरे के बीच में कंप्लीट ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, अटमोस्ट ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। जब भी दो पार्टीज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करी, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को बता दो, एक दूसरे को डिस्क्लोज कर लो। इवन कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपसे सामने वाले ने नहीं पूछी, बट यू थिंक दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी आप बता दो, भले पूछा नहीं। अब अगर कोई ऐसा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की गई है, तो ऐसा माना जाता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ फॉलो नहीं किया। और जब प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ फॉलो नहीं होता है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ टूटता है, तो पूरा का पूरा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाता है, मतलब उसका जीरो इफेक्ट हो जाता है। अब जब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो गया, तो अभी तक जितना भी नल एंड वॉइड हो गया, तो अभी कभी फ्यूचर में लॉस हुआ तो वो लॉस का कंपेंसेशन भी फिर नहीं मिलता इंश्योरी को। एंड साथ ही साथ इंश्योरी ने तो आज तक प्रीमियम पे किया वो भी वापस नहीं मिलने वाला, प्रीमियम पे किया वो भी वेस्ट, और कभी फ्यूचर में नुकसान हुआ तो कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिलेगा, बिकॉज पूरा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ सिर्फ इतना ही बोलता है कि आप एक दूसरे से सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर, सिंपल। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ऐसा बोलता है कि कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनाया जाता है कि फाइनेंशियल लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये डिसाइड करता है कि इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे इंश्योरी को देगी इन द इवेंट ऑफ लॉस। ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बेसिकली इस चीज से कंसर्न्ड है कि जब फाइनेंशियल लॉस होता है,
तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरी को कितने पैसे देगी, आप कितने पैसे देगी, क्या होगा, मैं आगे कराऊंगी। लेकिन एक बेसिक इतना ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यही बोलता है कि एट द टाइम ऑफ द लॉस, जब लॉस हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरी को कितना पैसा देगी। तो बेसिकली अभी अपने इंश्योरेंस के बारे में समझा, इंश्योरेंस का मीनिंग समझा और अपन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पे गए, जिसमें से अपन ने एक प्रिंसिपल पूरा कंप्लीट कर लिया और दूसरा स्टार्ट किया। इंश्योरेंस मैंने आपको बताया इट इज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी वेर इंश्योरी पेज अ प्रीमियम अगेंस्ट एन अग्रीमेंट अगेंस्ट एन अंडरटेकिंग बाय द इंश्योरर दैट ही वुड बी कॉम्पेंसेटेड फॉर द रिस्क एंड लॉस कवर। अभी जो इंश्योरेंस होता है ये रिस्क को खत्म नहीं कर देता, बट हाँ रिस्क के कारण जो लॉसेस हो रहे हैं उसकी भरपाई कर देता है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, उसमें आपका क्रक्स ये है कि आप सब सारी इंफॉर्मेशन इंश्योरर और इंश्योरी को डिस्क्लोज कर दो, सब एक दूसरे को बता दो, जो भी इंश्योरेबल प्रोडक्ट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब डिस्क्लोज करो। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का कंसेप्ट क्रक्स इतना है कि जब लॉस हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरी को कितना पैसा देगी, वो इस प्रिंसिपल में डिसाइड होता है। और मैं इसको और भी समझा रही हूं, पहले इतना मैं बोर्ड से गो थ्रू करवा देती हूँ। इंश्योरेंस रिफर्स टू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी थ्रू विच द इंश्योरी पेज प्रीमियम एंड एज अगेंस्ट गेटिंग एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द इंश्योरर दैट ही वुड बी कॉम्पेंसेटेड एज पर द रिस्क कवर्ड एंड अमाउंट डिसाइडेड फॉर फाइनेंशियल लॉस। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन फॉर्म इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। इंपॉर्टेंट, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म है उसको इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। इंश्योरेंस डज नॉट रिमूव रिस्क इन्वॉल्व बट एटलीस्ट कॉम्पेंसेट ट्रस्ट। ये जो इंश्योरेंस है वो रिस्क को हटा तो नहीं देता बट हाँ काफी हद तक लॉस कॉम्पेंसेट कर देता है। नॉट प्रिंसिपल, सबसे फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी मेकिंग प्रॉफिट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ओनली कॉम्पेंसेशन ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस। का मोटिव यही होता है कि जो भी फाइनेंशियल लॉसेस को कॉम्पेंसेट करो। ये जो इंश्योरेंस है वो एक सोशल कंसेप्ट है, यहाँ पे जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है उनको एक म्यूचुअल और कंप्लीट फेथ होना जरूरी है। While entering into contract, both parties should have provided complete information of insurable product. दोनों पार्टी को अपना जो इंश्योरेबल प्रोडक्ट है, आपने कार का इंश्योरेंस लिया, स्टॉक का इंश्योरेंस, लाइफ का, घर का, शॉप का, जो भी इंश्योरेंसेबल प्रोडक्ट है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन बता दो। While giving information even now, if not asked, if it affect the contract, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन भले मांगी नहीं हो वो भी दे दो अगर वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट कर रही है तो। An insurance agreement entered not having necessary information amounts to fraud and it is against the principle of utmost good faith. बोला अगर ये कोई ऐसा insurance agreement है जिसमें सारी information disclose नहीं करी गई तो वो fraud माना जाता है और वो principle of utmost good faith के against माना जाता है। Whenever it has come to be known that principle of utmost good faith is break an insurance policy stands null and void. An insuree cannot get premium already paid and also loses the right to get compensation. तो बोला जब पता चलता है कि इंश्योरेंस जो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ टूटा गया है तो पूरा इंश्योरेंस पॉलिसी नल एंड वॉइड डिक्लेयर की जाती है। इंश्योरी को ना प्रीमियम जो उसने पे किया है वो मिलता है और ना लॉस का कॉम्पेंसेशन मिलता है। देन सेकेंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। Principle of indemnity, insurance contract is made to compensate for loss incurred by insuree. Insurance contract इसलिए बनाया जाता है कि जितना भी इंश्योरी को लॉस हो रहा है उसको हम पेमेंट करें। ये प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल इज यूज टू डिसाइड हाउ मच इंश्योरेंस कंपनी विल पे टू इंश्योरी इन द इवेंट ऑफ लॉस। ये प्रिंसिपल डिसाइड करेगा कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरी को कितना पैसा देगी इन द इवेंट ऑफ लॉस। आई होप इतना क्लियर हुआ, इसको अच्छे से गो थ्रू करो, नोट्स बनाओ, फिर मैं आगे एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, तो बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इतना ही बोलता है, यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरी को कितना पैसा देगी फॉर द लॉस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि कोई भी इंश्योरी इंश्योरेंस कंपनी से जितना लॉस हुआ उससे ज्यादा पैसे नहीं लेके जाए। मतलब जितना उसको नुकसान हुआ है, जितना उसको लॉस हुआ उतना तो कॉम्पेंसेशन हो जाएगा, बट कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान से ज्यादा पैसा इंश्योरी लेके जाए। मतलब इंश्योरी को कोई भी एडिशनल
अमाउंट नहीं होनी चाहिए ओवर एंड अबाउ द लॉस, जितना भी उसको लॉस सुनकर हुआ उतना उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर का कुछ एडिशनल अमाउंट नहीं मिलनी चाहिए। बिकॉज अपन कब से पढ़ रहे इंश्योरेंस में प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं होता, इंश्योरेंस में ये देखा जाता है जितना लॉस हुआ उतना कम्पेंसेशन, ना कि उससे ज्यादा। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बेसिकली यहाँ पे यही डिसाइड करता है कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरी को कितना अमाउंट देगी फॉर द लॉस इनकर्ड, और ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि इंश्योरी को लॉस का पैसा मिल जाए बट एडिशनल कुछ ना मिले। ठीक है, अब इस ऐसा बोला कि से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन ने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अपनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट से कम कर लिया है तो उसको प्रपोर्शनेट मिलेगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार है 10 रुपीज की, मैं 10 लाइक जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग ले रही हूँ, 10 रुपीज की कोई कार है, ठीक है, आपने 10 रुपीज की कार के लिए पूरा 10 रुपए का इंश्योरेंस नहीं लिया, आपने 8 रुपए का इंश्योरेंस लिया, तो जब आपको लॉस हुआ, आपने जब इंश्योरेंस कम अमाउंट का लिया तो जब आपको लॉस हुआ तो वो प्रपोर्शनल कैलकुलेशन होगा। और प्रपोर्शनल कैलकुलेशन कैसे होगा मैं समझा रही हूँ, ध्यान दो। पहला केस, आपने अपनी इंश्योरेंस, आपका जो प्रोडक्ट है ना 5 लाख का है, आपका जो प्रोडक्ट है वो 5 लाख का है और आपने इंश्योरेंस लिया 3 लाख का, आपका प्रोडक्ट 5 लाख का था, आपने इंश्योरेंस कितने का लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी 3 लाख का, अब आपका पूरा प्रोडक्ट वो डैमेज हो गया, पूरा प्रोडक्ट ही खत्म हो गया, तो आपको कितना पैसा मिलेगा, पूरा 5 लाख नहीं, आपने जो 3 लाख का इंश्योरेंस लिया तो भले आपका 5 लाख का प्रोडक्ट डैमेज हुआ, कॉम्पेंसेशन में 3 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। वापस समझा रही हूँ, ध्यान दो। मतलब से फॉर एग्जाम्पल आपका 5 लाख का प्रोडक्ट है लेकिन आपने 5 लाख के प्रोडक्ट पे 5 लाख का इंश्योरेंस नहीं लिया, आपने 3 लाख का इंश्योरेंस लिया और आपका प्रोडक्ट पूरा डैमेज हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय होगा, पूरा 5 लाख का प्रोडक्ट डैमेज होगा, तब आपको जो कॉम्पेंसेशन मिलेगा वो कितने का मिलेगा, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी 3 लाख की ली थी भले प्रोडक्ट 5 लाख का हो, तो 3 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा। दूसरा किसे थोड़ा अटेंटिवली सुनने का, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान देना, मैंने बोर्ड पे करा है, मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट सेशन, आई मीन नेक्स्ट बार जो बोर्ड पे गो थ्रू कराऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा अलर्ट रह के सुनना। आपका प्रोडक्ट 5 लाख का है, कितने का है 5 लाख का, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिए 3 लाख की, कितने के लिए 3 लाख की, मतलब आपका प्रोडक्ट 5 लाख का, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिए 3 लाख की, अब आपका जो प्रोडक्ट है ना वो पार्शियली डैमेज हो रहा है, मतलब पूरा 5 लाख का प्रोडक्ट डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ 2 लाख तक का प्रोडक्ट डैमेज हुआ, तो आप बोलोगे 2 लाख का तक का प्रोडक्ट डैमेज हुआ लेकिन मैंने सिर्फ पॉलिसी 3 लाख ली थी तो मुझे 3 लाख दो, तो बनता है। जब आपका प्रोडक्ट ही 3 लाख का डैमेज नहीं हुआ, आपका प्रोडक्ट ही सिर्फ 2 लाख का डैमेज हुआ, तो 3 लाख का इंश्योरेंस कैसे मिलेगा, तो अब इसका प्रपोर्शनेट कैलकुलेशन होगा। कैसे प्रपोर्शनेट कैलकुलेशन होगा, जब आपका प्रोडक्ट 5 लाख का था तो आपने इंश्योरेंस लिया था 3 लाख का, जब आपका प्रोडक्ट 5 लाख का था तो आपने इंश्योरेंस लिया था 3 लाख का, अब जब आपका प्रोडक्ट 2 लाख का डिस्ट्रॉय है तो इंश्योरेंस कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगी तो 1,20,000 आएगा, मैं बोर्ड से समझाऊंगी, लेकिन अभी खाली इतना समझो कि जब आपका प्रोडक्ट 5 लाख का था और आपने इंश्योरेंस 3 लाख का लिया और आपका पूरा प्रोडक्ट ही खराब हो गया तो आपको 3 लाख तक का पैसा मिलेगा जितना आपने इंश्योरेंस लिया। आपका प्रोडक्ट 5 लाख का था, 3 लाख का आपने इंश्योरेंस लिया लेकिन आपका प्रोडक्ट सिर्फ 2 लाख का ही डैमेज हुआ है, तो आपको 3 लाख क्यों मिलेंगे जब आपको प्रोडक्ट ही 2 लाख का डैमेज हुआ है, तो कैसा कैलकुलेशन होगा, प्रपोर्शनल कैलकुलेशन, जो मैं आपको बताऊंगी। अब तीसरा केस, आपका प्रोडक्ट 5 लाख है और आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया और आपका पूरा प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो कितना मिलेगा, पूरा 5 लाख मिल जाएगा। तीन केस समझ है, मैं तीन केस वापस समझा रही हूँ, अलर्ट रहना। चलिए मैं पूरा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वापस समझाती हूँ। पहला प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एकदम क्लियर, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरी को एट द टाइम ऑफ द लॉस कितना पैसा देना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये बेसिकली प्रिंसिपल का मोटिव ये कि इंश्योरी को जितना लॉस हो उतना पैसा तो ऑब्वियसली मिलना चाहिए, लेकिन एडिशनल अमाउंट नहीं मिलना चाहिए, वो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए ये चीज से। अब जैसे यहाँ पे तीन केसेस से आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सपोज आपका प्रोडक्ट 5 लाख का है और आपने 3 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ली, आपका पूरा प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो आपको कितना तक मिलेगा, आपको 3 लाख, बिकॉज भले प्रोडक्ट 5 लाख का डैमेज हो लेकिन आपने पॉलिसी तो सिर्फ 3 लाख की ली। दूसरा केस, आपके पास 5 लाख का प्रोडक्ट था, 3 लाख की इंश्योरेंस ली, आपका जो प्रोडक्ट है ना वो सिर्फ 2 लाख तक ही डैमेज हुआ है तो आपको पूरे 3 लाख नहीं मिलेंगे, बिकॉज जब आपका प्रोडक्ट ही 2 लाख तक का डैमेज हुआ तो पूरा पैसा क्यों मिलेगा। तो प्रपोर्शनेट कैलकुलेशन होगा कि जब प्रोडक्ट 5 लाख का था तो 3 लाख का इंश्योरेंस, अब प्रोडक्ट 2 लाख का डैमेज हुआ तो कितने का, क्लियर, तो आएगा 1,20,000। अब थर्ड केस, आपका प्रोडक्ट 5 लाख के, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी भी 5 लाख की और पूरा प्रोडक्ट डैमेज, तो पूरा 5 लाख मिल जाएगा। ओके, अब थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जिस भी चीज का आप इंश्योरेंस ले रहे हो उस प्रोडक्ट में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है।
जिस भी प्रोडक्ट का आप इंश्योरेंस ले रहे हो उस प्रोडक्ट में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है, मतलब आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना जरूरी है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगी एंड इट वुड बी क्रिस्टल क्लियर टू इन अ सेकंड। समझो एक घर है, एक हाउस है, अगर उस हाउस की मैं ओनर हूं तो मेरा उस हाउस में एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, बिकॉज मैं उस हाउस की क्या हूं, मैं उस हाउस की ओनर हूं, तो वो घर में मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, राइट तो मैं उसका इंश्योरेंस ले सकती हूँ। लेकिन अगर सपोज मैं उस घर की ओनर नहीं, मैं उस घर की टेनेंट हूं, मैं भाड़े पे वो घर पे रह रही हूँ, तो मेरा उस घर में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ही नहीं, तो मेरा उस घर में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं, तो उस केस में मैं उस पर इंश्योरेंस नहीं ले सकती। क्लियर? तो आप जो भी प्रोडक्ट का इंश्योरेंस ले रहे हो उस प्रोडक्ट पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, दैट इज फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं वापस समझा रही हूँ, ऐसा बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब जिस भी प्रोडक्ट का आप इंश्योरेंस ले रहे हो उस प्रोडक्ट पे आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर आप एक घर को ओन करते हो, आप एक घर की ओनर हो, तो उस घर पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो आप उस घर का इंश्योरेंस ले सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं रेंट पे रह रहे हो तो रेंट पे रह रहे हो, आप उसके ओनर नहीं हो, मतलब आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट उस घर में है नहीं, तो अगर आप जिस घर में रेंट पे ले रहे हो उस घर का इंश्योरेंस नहीं ले सकते, बिकॉज प्रिंसिपल आपका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ही नहीं। समझा? फोर्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। मैं इसको शॉर्ट में समझा दी थी, फिर मैं रीड करती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन क्या होता है, मतलब जिस भी प्रोडक्ट का आपने इंश्योरेंस लिया है वो प्रोडक्ट पूरा डैमेज हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने उसका पूरा कॉम्पेंसेशन आपको दे दिया। अब वो जो डैमेज टूटा फूटा प्रोडक्ट है ना, उसकी ओनरशिप किसकी होगी? सपोज से फॉर एग्जाम्पल एक कार ले लेते, आपने कार का इंश्योरेंस लिया, कार एक्सीडेंट में कार पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, डैमेज हो गया, अंदर बंदर थोड़े बहुत पार्ट्स बचे, आप कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा आपको जो भी कॉम्पेंसेशन था अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी दे दिया। अब वो जो टूटी फूटी हुई कार है उसका जो इंश्योरेबल प्रोडक्ट है उसका ओनरशिप किसकी होगी? उसकी ओनरशिप हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी की, जो तो टूटा फूटा जो भी प्रोडक्ट बचा है उसकी ओनरशिप हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी की। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। वापस समझा रही, देखो मैं एक्सप्लेन करते समझा रही हूँ ना, पॉलिसी इज टेकन फ्रॉम फॉर एन इंश्योरेबल प्रोडक्ट। जब एक इंश्योरेबल प्रोडक्ट की आपने पॉलिसी पहली बात ली एंड इफ इट इज फुली डैमेज, आपने पॉलिसी ली और सेकंड क्या वो पूरा का पूरा डैमेज हो गया, एंड द इंश्योरेंस कंपनी पेज कंपेंसेशन और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कॉम्पेंसेशन भी पे कर दिया, देन जो फुली डैमेज प्रोडक्ट है, जो पूरा डैमेज प्रोडक्ट है, उसकी ओनरशिप विल बी इन द विद द इंश्योरेंस कंपनी, उसकी ओनरशिप इंश्योरेंस कंपनी के पास होगी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। क्लियर? वापस समझा रही हूँ, जो भी आपका इंश्योरेबल प्रोडक्ट है आपने उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ली, आपका प्रोडक्ट पूरा डैमेज हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा भी दे दिया, अब वो जो डैमेज प्रोडक्ट है उसकी ओनरशिप किसकी होगी? इंश्योरेंस कंपनी की। अब इसमें ये बात ध्यान रखना है, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन लाइफ इंश्योरेंस को अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? सोचो लाइफ इंश्योरेंस मतलब इंसान का इंश्योरेंस ले रहा है, उसकी डेथ हो गई तो जो डैमेज आपका इंश्योरेबल प्रोडक्ट उसका डेड बॉडी होगा, तो उसकी तो ना ओनरशिप इंश्योरेंस कंपनी के पास होगी। तो ये तो कॉमन सेंस बेस्ड है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता। तो बेसिकली अभी अपन ने तीन और प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस देखे, पहला प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, देन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड थर्ड प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये डिसाइड करता है कि एट द टाइम ऑफ लॉस इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरी को कितना अमाउंट देगी। यहाँ का मोटिव इतना ही है कि जितना लॉस हो उतनी भरपाई हो जाएगी, लेकिन कुछ एडिशनल फायदा नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकते आप उससे, और उसके तीन केसेस आपने पढ़े। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब जिस भी प्रोडक्ट आप इंश्योरेंस करा रहे हो उसमें आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना जरूरी, राइट? फिर प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन में ऐसे बोला, अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, आपको लॉस हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी ने वो लॉस कॉम्पेंसेट कर लिया है, तो जो भी डैमेज प्रोडक्ट है, जो डैमेज इंश्योरेबल प्रोडक्ट है, उसकी ओनरशिप हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी की और ये नहीं एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो बेसिकली अपन ने आज इंश्योरेंस क्या होता है वो पढ़ा और प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़े। पूरा का पूरा सेट ऑफ आंसर ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज इंश्योरेंस एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करना। ओके, एक बार मैं गो थ्रू करवा देती हूँ बोर्ड से, तुमको ध्यान दो बोर्ड पे।
Any person who takes insurance policy can get only compensation for the loss and not for profit. That is, he cannot get additional amount over and above cost. If an insurer takes a policy for product at a lower price than original price, it is implied that he will proportionately get the loss amount. देखो पहले में इंश्योरेंस पॉलिसी 3 लाख की थी, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 5 लाख का, और कंप्लीट लॉस ऑफ प्रोडक्ट हो गया तो इंश्योरी को कितना मिलेगा, पूरा का पूरा 3 लाख, मतलब अप टू 3 लाख मिलेगा, बिकॉज इंश्योरेंस पॉलिसी 3 लाख की थी। दूसरे केस में इंश्योरेंस पॉलिसी 3 लाख की थी, प्रोडक्ट 5 लाख का था और डैमेज 2 लाख का हुआ, तो 3 लाख नहीं मिलेंगे बिकॉज डैमेज तो 2 लाख का हुआ, प्रपोर्शनेट मिलेगा। तो देखो जब प्रोडक्ट 5 लाख का था तो पॉलिसी ओके, तो अगर इंश्योरेंस पॉलिसी 3 लाख की, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 5 लाख है और जो आपका प्रोडक्ट डैमेज 2 लाख का हुआ है, तो आपको 3 लाख नहीं मिलेगा बिकॉज प्रोडक्ट तो 2 लाख का डैमेज हुआ, प्रपोर्शनेट मिलेगा, मतलब 5 लाख का प्रोडक्ट मतलब 5 लाख का प्रोडक्ट था तो 3 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो 2 लाख का प्रोडक्ट में कितना, प्रपोर्शनल कैलकुलेशन करके आंसर आएगा 1,20,000। अब अगर आपका वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 5 लाख का था और पॉलिसी 5 लाख की ली थी और पूरा का पूरा प्रोडक्ट डैमेज हो गया, तो कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा, 5 लाख। नाउ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरी मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट इंश्योर, दैट इज एग्जाम्पल ओनर ऑफ हाउस हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द हाउस बट द टेनेंट डू नॉट हैव, ओनर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है हाउस में लेकिन टेनेंट का नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, व्हेन पॉलिसी इज टेकन फॉर एनी इंश्योर्ड प्रोडक्ट एंड इट इज फुल्ली डैमेज and insurance company pays compensation, then fully damaged product ownership will be of insurance company and this is not applicable in case of life insurance. तो बेसिकली अभी अपन ने ये पढ़ा आज के सेशन में, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, वो दो पार्टीज के बीच में पॉलिसी होती है जहाँ पे इंश्योरिंग प्रीमियम पे करता है और इंश्योरर जो होता है वो अंडरटेकिंग लेता है कि जो भी लॉस हुआ उसका कंपेंसेशन देगा। प्रिंसिपल्स 3 होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जिसमें ऐसा था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंश्योरर और इंश्योरी को एक दूसरे से डिस्क्लोज कर देनी चाहिए वरना प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ टूट जाता है। फिर अपन ने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि कितना अमाउंट मिलेगा इंश्योरी को इंश्योरेंस कंपनी से, यहाँ पे इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इंश्योरी प्रॉफिट नहीं कमाए इससे, मतलब जितना लॉस हुआ उतना ही उसको कॉम्पेंसेशन मिले। एंड देन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट में अपन ने पढ़ा कि आप वैसे ही प्रोडक्ट का इंश्योरेंस ले सकते हो जिसमें आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। ओके, फिर अपन ने प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन में पढ़ा कि जो भी डैमेज प्रोडक्ट होता है उसकी ओनरशिप किसके पास होगी, इंश्योरेंस कंपनी के पास, एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ओके, तो विल बी एंडिंग अ सेशन बाय दिस, गो थ्रू द वीडियो एंड प्रिपेयर नोट्स, गुड बाय।